Hello guys, welcome to my YouTube channel Medical and Engineering Classes। आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू पार्ट टू का क्वेश्चंस। तुम्हारे पास क्वेश्चंस है। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स कन्वर्ट ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज। मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन में हमारा लीवर, किडनी, लंग्स एंड ड्यूडेनम। तो हमारा सही आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। लार किस चीज के पाचन में मदद करती है। फैट, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो हमारा सही आंसर है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काउज ऑफ येलोइश कलर ऑफ काउ मिल्क। गाय के दूध के पीले रंग का कारण क्या है। ऑप्शन है जैंथोफिल, रिबोविन, रिबुलोज, कैरोटीन। तुम्हारा सही आंसर है डी, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम को रिलीज नहीं करती है। ऑप्शन है हमारा लीवर, स्लेवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइन ग्लैंड, लास्ट पेनक्रियास। तुम्हारा सही आंसर है लीवर। अब हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिंथेसाइड इन ह्यूमन स्टमक। मानव के पेट में निम्नलिखित में से किस अम्ल का संश्लेषण होता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लास्ट है फॉस्फोरिक एसिड। तुम्हारा सही आंसर है सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमारा है क्वेश्चन, बाइल इज सेक्रेटेड बाय, पीत द्वारा स्त्रावित होता है। ऑप्शन है गोल ब्लैडर, लीवर, बाइल डक्ट एंड लास्ट है हमारा पेनक्रियास। तुम्हारा आंसर है बी, लीवर। अब हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन है हमारे पास पेप्सिन, रिनाइन, इंसुलिन, एम्लोपिसिन। तो हमारा सही आंसर है सी, इंसुलिन। एट नंबर क्वेश्चन है, इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू। पाचन में प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन है फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, माल्टोज। तुम्हारा सही आंसर है सी, एमिनो एसिड। नाइन नंबर क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द प्रोटीन डाइजेशन बिगिन। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत शरीर के किस अंग में होती है। ऑप्शन है एसोफेगस,
माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। तुम्हारा सही आंसर है डी, स्टमक। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट्स। छोटी आंत के किस भाग में पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और पचने वाले भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है? ऑप्शन है इलियम, ड्यूजेनम, ड्यूडेनम एंड कोलोन। तुम्हारा सही आंसर है डी, कोलोन। सॉरी गाइस, हमारा सही आंसर इलियम होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। निम्नलिखित में से किस अंग में पाचन नहीं होगा? ऑप्शन है माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड फूड पाइप। तुम्हारा सही आंसर है डी, फूड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विच एमोंग द फॉलोइंग इंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा इंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है? ऑप्शन है ट्रैप्सिन, पेप्सिन, रिनाइन एंड लास्ट है हमारा कैशिन। तुम्हारा सही आंसर है सी, रिनाइन। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच एमोंग द फॉलोइंग इज एन इंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट फैट। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है जो वसा को पचा सकता है? ऑप्शन है सुक्रेस, माल्टेज, लिपेज एंड एमेलेज। तुम्हारा सही आंसर है सी, लिपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री नहर के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। तो ऑप्शन है हमारा ए, लार्ज इंटेस्टाइन, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लीवर एंड लास्ट है हमारा डी, स्टोमक। तुम्हारा सही आंसर है बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। 15 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। भोजन का पूर्ण पाचन होता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास एंड लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। तुम्हारा सही आंसर है बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जू सेक्रेटेड बाय लीवर। लीवर द्वारा स्त्रावित पित्त रस का कार्य क्या है? ऑप्शन है इट मेक्स द फूड अल्कलाइन, बी इट मेक्स द फूड एसिडिक, सी इट ब्रेक्स डाउन द फूड एंड लास्ट डी है नन ऑफ द एवब। तुम्हारा सही आंसर है ए, इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। शरीर में मौजूद सबसे कठिन पदार्थ का नाम बताना है। तुम्हारे पास ऑप्शन है ए डेंटिन, बी पल्प, सी एनिमल एंड लास्ट डी है हमारा क्रेनियम। तुम्हारा सही आंसर है इनेमल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर. द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड. छोटी आंत के 3 भाग होते हैं. पहला भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ड्यूडेनम, जुजीनम, इलियम एंड वीला. तो हमारा सही आंसर है ए, ड्यूडेनम. अब हमारे पास क्वेश्चन है, पेन क्रिएटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ. अग्नाशयी रस की रिहाई से प्रेरित होता है. ऑप्शन है हमारा ए सेक्रेटिन, बी कॉलिसेस्टोकिनिन, सी इंट्रोकिनेस एंड लास्ट है हमारा डी हेपेटोक्रेनिन. तो हमारा सही आंसर है ए सेक्रेटिन. ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन हमारा, वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन एकम्प्लिस्ड. प्रोटीन पाचन कहाँ पूरा होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास स्टमक, इलियम, रेक्टम एंड लास्ट है ड्यूडेनम. तो हमारा सही आंसर है बी इलियम. 21 क्वेश्चन है, पेनक्रियास प्रोड्यूस अग्नाशय पैदा करता है. तो क्या पैदा करेगा? उसमें ऑप्शन है हमारे पास 3 डाइजेस्टिव इंजाइम एंड 1 हार्मोन, 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम एंड 2 हार्मोन्स, 2 डाइजेस्टिव इंजाइम एंड 1 हार्मोन्स एंड लास्ट है हमारा 3 डाइजेस्टिव इंजाइम एंड नो हार्मोन्स. तो हमारा सही आंसर है बी 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम एंड 2 हार्मोन्स. लास्ट क्वेश्चन हमारा, इफ पेनक्रियास इज रिमूव्ड द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज. यदि अग्नाशय को हटा दिया जाता है तो यौगिक जो अप्रशिक्षित रहता है, तो ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑल ऑफ दिस. हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ दिस. सॉरी गाइस, हमारे पास दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं. हमारा क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन अबाउट. मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 1.64 kg, 1.36 kg, 1.46 kg एंड लास्ट है हमारा 1.63 kg. तो हमारा आंसर है 1.46 kg. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मली हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट्स इन ए मिनट. आमतौर पर एक मिनट में मानव हृदय कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है हमारा 82, 75, 72 एंड लास्ट है हमारा 85. तो हमारा सही आंसर है 72. थैंक यू गाइस, आज में आप लोग को हमारा वीडियो अगर आज अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं.